जी, तो पॉप के फंक्शन को हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे थे कि हम लोग जो फ्रंट एंड एक्स प्लस प्लस करते हैं, लेकिन बस ये रखते हैं कि पॉप फ्रंट का अगर साइज जो है वो साइज माइनस वन के इक्वल है, तो फ्रंट एंड एक्स प्लस वन करने से क्या होगा, साइज के इक्वल होगा, साइज स्मॉल साइज जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, कि फ्रंट एंड एक्स को वापस हम लोग जीरो पे ले आएंगे। खुश हो गया, पॉप हो गया, फिर हमारे पास फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट को भी नो के इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ चेंज नहीं होगी तो हम लोग कॉन्स्ट कर देंगे। क्या कोड होगा इसका बेटे? आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। सॉरी अबाउट दैट। जी, फ्रंट के अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो उसे हम लोग कॉन्स्ट कर लेंगे। तो मुझे बताएं फ्रंट का कोड क्या होगा? जी वो अभी हम लोगों ने किया था। सर रिटर्न करेंगे वो डेटा के अंदर वो पैरामीटर्स देकर क्या F+1 मोड साइज। हमारे पास फ्रंट इंडेक्स प्लस वन मॉड साइज? ठीक है, तो वो हम अभी हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया था अपना सोल्यूशन, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रंट होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह अभी क्यू के फ्रंट के ऊपर बी पड़ा हुआ है ना, तो बी हम लोगों ने रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे, फ्रंट प्लस वन पे डेटा जो फ्रंट प्लस वन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर देंगे। तो फ्रंट प्लस वन पे बी पड़ा हुआ वो रिटर्न कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि जब फ्रंट की वैल्यू हमारे पास फाइव हो तो फिर फ्रंट प्लस वन सिक्स हमने नहीं करना, फ्रंट प्लस वन हमने जीरो करना है। तो वो जीरो करने के लिए हम लोग उसका मॉड जो है वो साइज से जो है वो उसका मॉड ले लेते हैं, हमारे पास बेसिकली फ्रंट प्लस वन पे जो वैल्यू वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अच्छा, और कौन से फंक्शन रह गए? पुश हो गया, पॉप हो गया, वैल्यू रिट्रीव कर ली, रिमूव कर ली, इंसर्ट कर दी, एम्प्टी का हो जाएगा। एम्प्टी की बेटा क्या कंडीशन होगी, और इसे कॉन्स्ट रखेंगे या नहीं? से रखेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट रखेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल मेंबर वेरिएबल चेंज नहीं करना। और क्या रिटर्न करेंगे? रेंज इज इक्वल टू सिर्फ फ्रंट माइनस वन। देखो, हमारे पास क्यू एम्प्टी थी, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यू एम्प्टी थी, तो हम लोगों ने रियर और फ्रंट दोनों को सेम कर दिया था। तो इस वाली इम्प्लीमेंटेशन में जो थर्ड अटेम्प्ट थी हमारी क्यू अटेम्प्ट इम्प्लीमेंट करने की, इसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि अगर रियर इंडेक्स जो है हमारे पास फर्स्ट फ्रंट इंडेक्स के इक्वल है तो हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह फुल भी हमारे पास कॉन्स्ट होगा, फुल की क्या कंडीशन होगी, यहाँ से मुझे आप फिगर देख के बता दो। अभी जो है वो क्यू फुल है। कोशिश तो करो बेटे, मुझे गलत आइडिया आ रहा है जहन में, कोशिश तो करो। रेयर इज इक्वल टू फ्रंट माइनस वन। रेयर इज इक्वल टू फ्रंट माइनस वन, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन हो सकती है, रेयर इज इक्वल टू फ्रंट माइनस वन, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि फ्रंट माइनस वन, अगर फ्रंट जो है वो जीरो है और रेयर हमारे पास फाइव पे है, ठीक है, तो फ्रंट माइनस वन जो है वो हमारे पास फिर क्या होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास फाइव हो जाना चाहिए। तो इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास एक और कंडीशन कि रेयर प्लस वन इज इक्वल टू फ्रंट, बेसिकली बोथ थिंग्स आर सेम ना, कि रेयर प्लस वन इज इक्वल टू फ्रंट करें या रेयर इज इक्वल टू फ्रंट माइनस वन करें, बोथ आर द सेम, लेकिन उसे प्लस वन अगर हम लोग करते हैं तो उसे डिवीजन के थ्रू हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग ये कह देते हैं कि फुल जो है उसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि रेयर है वो हमारे पास फ्रंट इंडेक्स के इक्वल है। अगेन हम लोगों ने इसके अंदर ख्याल रखना है कि रेयर प्लस वन जो है वो हमारे पास साइज के इक्वल ना हो जाए, तो जब रेयर प्लस वन साइज के इक्वल होगा तो उसे हम लोगों ने जीरो करना है, तो इस वजह से हम लोग इसका जो है वो मॉड ले लेते हैं साइज के साथ। तो हम लोग ये कर देते हैं कि रिटर्न रेयर प्लस वन मॉड साइज इज इक्वल टू फ्रंट इंडेक्स, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, ये तो मोर और लेस आई थिंक सारे फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं।
देख लेते हैं किस किस फंक्शन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत है। कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत है, ओके, पुश में एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत है, नो सर, पुश में सर अगर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है और वो लॉजिकल गार्बेज भी नहीं है तो वहाँ पे तो स्टोर नहीं होना चाहिए ना। फुल हम फुल का चेक कर सकते हैं, हाँ फुल का चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो क्यू जो है वो हमारे पास फुल है तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं क्यू ओवरफ्लो का, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी कि हम लोग पुश कर रहे हैं क्यू अभी एरे में जगह नहीं है तो हम वहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। अब अगर हम लोग इस एक्सेप्शन को कैच नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। प्रोग्राम का क्रैश करना बेहतर है उस चीज़ से कि आप जो है वो ऐसी मेमोरी में वैल्यू स्टोर कराना शुरू कर दो जो आपने एलोकेट नहीं की हुई, जो आपके प्रोग्राम को एलोकेट नहीं हुई हुई, ठीक है। उससे जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा बग्स आ सकते हैं, उससे बेहतर है कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाए, ठीक है। और पॉप के अंदर क्या एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, कंडीशन क्या होगी, जरूरत है या नहीं, एम्प्टी का चेक करेंगे ना, अगर एम्प्टी है तो समरीज हम पॉप नहीं करेंगे, ठीक है। एम्प्टी है तो हम लोग थ्रो कर देते हैं कि जी क्यू जो है वो अंडर फ्लो कर गई है, कि अभी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं और आपने जो है वो उसको पॉप कराने की कोशिश की है। फ्रंट पे कुछ करने की जरूरत है, फ्रंट पे बेटे को एक्सेप्शन थ्रो कराने की जरूरत है या नहीं सर, वैसे होनी चाहिए, आप कंफर्म नहीं है क्योंकि अगर एक एम्प्टी पड़ी है तो उसमें से हम कुछ चीज रिटर्न करा दें, बिल्कुल कंफर्म की जाइए, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आपका, यू आर वेरी राइट। तो आपके पास जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपने इफ एम्प्टी क्यू से आपने जो है वो कोई डाटा रिट्रीव नहीं करना, ठीक है। तो एम्प्टी क्यू अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करा देनी है, कैन नॉट, ओके क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। तो अगर हम लोग एम्प्टी क्यू से कुछ डाटा रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट करो अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते हैं, क्यू हमारे पास एम्प्टी है, हम लोग जब फ्रंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं तो या तो हम लोग गार्बेज रिटर्न कर लेंगे कर देंगे, या फिर अगर पहले से उधर कुछ पड़ा हुआ तो लॉजिकल गार्बेज रिटर्न कर देंगे। तो दोनों सूरतों में जो है वो हमारे पास अब हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो लॉजिकल बॉक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। एम्प्टी के ऊपर कोई एक्सेप्शन थ्रो करने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक एम्प्टी या फुल पे कोई ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम लोग जो है वो मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे, जस्ट इंडेक्सेस को देख रहे हैं और ये फंक्शंस किसी भी वक्त कॉल हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आई थिंक एक्सेप्शन थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?